नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टैल्क पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, आप वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। देश में कोरोना संक्रमण के 1,68,000 नए केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच 400 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही एक दिन में 92 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी पूरा किया गया है। सीनियर सिटीजन की जमा योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा सकती है सरकार, खुदरा महंगाई से राहत देने की है प्लानिंग। फरवरी में पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर, विशेषज्ञों ने जताया अनुमान, 46,000 बेड की हो सकती है जरूरत। अमेरिका में बेकाबू हुआ कोरोना, दूसरी बार 10 लाख से अधिक मामले आए सामने, ग्लोबल रिकॉर्ड भी टूटा। कोरोना से निपटने के लिए जिला स्तर पर बनेगी कमेटी, डॉक्टर पुलिस और अन्य अधिकारी होंगे शामिल, मनसुख मंडाविया ने दिया निर्देश। कोरोना के लिए मंजूर की गई दवा मोलनू पीरावीर पर हेल्थ एक्सपर्ट की राय अलग, ICMR ने स्वास्थ्य पर असर को लेकर जताई थी चिंता। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक के क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण, C2C वेरिएंट का INS विशाखापट्टनम से हुआ टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने UGC को दिया निर्देश, दिव्यांगों के प्रवेश के लिए 8 हफ्तों के भीतर जारी की गाइडलाइन। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में BJP की मीटिंग शुरू, CM योगी समेत बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। कोरोना संक्रमित हुए राजनाथ सिंह की तबीयत में सुधार, आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने की जांच। देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा ग्रोथ रेट 9.5% रहेगा, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर पिछड़ेगा देश। DDMA का आदेश, दिल्ली में आज से सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट और बार भी होंगे बंद। आम आदमी को लगेगा एक और झटका, AC फ्रीज के बाद अब गर्मियों के कपड़े भी होंगे महंगे। इंडिया चाइना टेंशन के बीच 14वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत कल, दोनों देशों को काफी उम्मीदें, अच्छी खबर आने का आसार। भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात स्थिर, 14वें दौर की सैन्य वार्ता से पहले बोला ड्रैगन। अफगानिस्तान में गहराया मानवीय संकट, निपटने के लिए UN ने बनाया प्लान, दुनिया से मांगी $5 बिलियन की मदद। बड़ी अच्छी खबर, 64.7 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 1,04,441.45 करोड़ रुपए, सरकार ने दी पूरी जानकारी। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद BJP में मचा हड़कंप, बोले 1 दर्जन विधायक संपर्क में। अब व्हाट्सएप के जरिए फाइल कर सकते हैं पॉलिसी का क्लेम, स्टार हेल्थ ने शुरू की नई सर्विस। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत TS त्रिमूर्ति बोले आतंकवाद मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती। यूपी में लगातार इस्तीफे पर BJP में मंथन जारी, अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को दी विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी। चीन में फिर लगा लॉकडाउन, घरों के अंदर बंद लोगों की संख्या हुई 2 करोड़ के पार। राजस्थान में हार्ड कंपा देने वाली ठंड का कहर, माउंट आबू में पारा -3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू बोले कांग्रेस हाई कमांड नहीं, बल्कि पंजाब के लोग चुनेंगे मुख्यमंत्री। पंजाब में कांग्रेस ने प्रताप सिंह बाजवा को दी मैनिफेस्टो तैयार करने की जिम्मेदारी, सुनील जाखड़ संभालेंगे प्रचार की कमान। किसानों पर कोरोना की मार, 30% तक गिरे अंडे और चिकन के दाम। कोरोना और ओमिक्रॉन संकट के बीच PM मोदी गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कर सकते हैं वर्चुअली बैठक। राजस्थान में आज से लागू हुई नई पाबंदियां, रात्रि 8 बजे से बंद होगी दुकानें, रविवार को रहेगा कर्फ्यू।
महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में तापमान तेजी से गिरा, मुंबई ठाणे में भी ठंड हुई प्रचंड। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भक्तों के लिए हुआ बंद, जयपुर जोधपुर और बीकानेर को रेड जोन घोषित किया गया। हलवाई की दुकान पर बिकने वाली मिठाई नमकीन पर 1% देना होगा जीएसटी, कर्नाटक एएआर ने दिया नया फैसला। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे कोरोना संक्रमितों को दिल्ली सरकार देगी योगा क्लास, हर क्लास में होंगे 15 मरीज। कर्नाटक में कोरोना का कहर, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व डीके शिवकुमार फिर पदयात्रा में हुए शामिल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 16 जनवरी तक चलेगी ऑनलाइन क्लासेज, परीक्षाएं रहेगी जारी। जापान में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी, फरवरी में विदेशी नागरिकों के लिए बॉर्डर करेगा बंद। उत्तराखंड के हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर लगी पाबंदी, कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने हर की पेड़ी क्षेत्र में जाने पर लगाया बैन, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही। पूर्वी भारत में आज से 3 दिन तक दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, झारखंड ओडिशा बंगाल बिहार में बारिश का अनुमान। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, परमवीर सिंह के वकील ने कहा सीबीआई जांच से आपत्ति नहीं। पहले दिन 9 लाख से ज्यादा लोगों को लगी प्रीकॉशन डोज, हेल्थ केयर वर्कर्स ने ली सबसे ज्यादा खुराक। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सालोली का निधन, 65 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। भारत संघ सीमा पर तनाव के बीच चीनी सेना ने शुरू किया ट्रेनिंग प्रोग्राम, शी जिनपिंग ने की सैनिकों से खास मांग। राजस्थान में प्रदेश में दुष्कर्म मामलों की जांच का समय घटा, 2021 में 17.03% बढ़े महिलाओं पर अत्याचार के मामले। मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं होंगी स्कूल बंद, 50% क्षमता के साथ चलेगी क्लासेज। साइप्रस के उत्तरी निकोसिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 6.4 रही तीव्रता। विधानसभा चुनाव के कारण अब मार्च के बाद होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम होने की भी संभावनाएं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का वादा, तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी विधानसभाओं में बनेंगे 50-50 बेड के कम्युनिटी कोविड केयर सेंटर। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों में आएगी भाजपा की पहली सूची, कर सकते हैं कई मौजूदा विधायकों के टिकट। गोवा में निर्दलीय विधायक और मंत्री गोविंद गोड़े ने दिया इस्तीफा, भारतीय जनता पार्टी में होंगे शामिल। ओडिशा में 5 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, 16 फरवरी से होगी शुरुआत, आदर्श आचार संहिता लागू। तमिलनाडु में समाज सुधारक पेरियार की मूर्ति को तोड़ने के आरोप में हिंदू संगठन के 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।